फ्रेंड्स, इट्स डे 4 ऑफ हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। इट्स 1 वीक चैलेंज। 1 वीक में हम देखेंगे कि हमारा कितना वेट कम हुआ है। इससे पहले मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया था एंड उसमें मेरा 2 किलो वेट कम हुआ था। आज के दिन की शुरुआत हुई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के साथ। 30 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट लगा लिया जिसमें कि जंपिंग जैक्स होते हैं, हाई नीज लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का फायदा ये होता है कि इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। जय सियाराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सियाराम। मधु जी से कह दे ना, राम जी से कह दे ना। फ्रिज से मैंने सारी वेजिटेबल्स निकाली हैं जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी। तो मोस्टली मैं जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको चॉप करके रख लेती हूँ सो दैट कि मॉर्निंग में जब भी मुझे खाना बनाना हो तो फटाफट से खाना बन जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ। यूँ दाल में मैं ऐड करने वाली हूँ पालक, टमाटो एंड गार्लिक। और विंटर में तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेफिनेटली खानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया और सरसों का साग हो गया। तो आप अलग अलग तरीके से रेसिपीज बना सकते हैं विद दोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेट लॉस में तो अच्छी रहेंगी ही, प्लस आपकी आयरन की डिफिशियंसी को भी ये क्योर करती हैं। एंड यहाँ पर मैं अपना सैलड बना रही हूँ विद ब्रोकली, कैबेज, बीन्स एंड कैप्सिकम। तो मोस्टली क्या करती हूँ ना, सारी वेजेस को अच्छे से सॉटे कर लेती हूँ और उसके बाद पनीर क्यूब्स उसमें ऐड कर देती हूँ। यू नो इट्स वेरी क्विक एंड इजी टू प्रिपेयर रेसिपी। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो जस्ट आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स को सॉटे करना है, उसमें पनीर को ऐड करना है। तो इससे आपको फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा और बहुत कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना भी सकते हो। आफ्टर वर्कआउट ना ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, पर थोड़ी देर बाद ना ठंड समझ आती है कि भाई ठंड है। तो इसलिए यहाँ पर मैं हुडी पहन रही हूँ जिससे कि मैं बीमार ना पड़ू। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं 11 से 12 बजे जूस और फ्रूट्स खाती हूँ। और अब लंच में आप देख सकते हो पालक वाली दाल। पालक वाली दाल अगर गरम गरम होना तो बहुत ही टेस्टी लगती है और एक सूप की तरह काम करती है। और साथ में है ये सॉटे वेजिटेबल्स। क्या कर रहे हो आप, ब्लॉक्स बना रहे हो? वेरी गुड आदू, वेरी वेरी गुड आदू। आदू बिल्डिंग बना रहे हैं। देखो देखो लड्डू, देखो ये बुक्स सब आपने ऐसे निकाल के रख दी, अपनी बुक्स, फूड वाली बुक्स, लेग्स वाली बुक्स, सब ऐसे ही निकाल के रख दिया सब। इट्स टाइम टू हाई प्रोटीन डिनर। और डिनर में मैंने बनाया था बेसन का चीला। इसमें ना स्टफिंग कर दी थी मैंने सोया चंक्स की और साथ में ले लिया था 1 एग व्हाइट और ग्रीन चटनी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी था, फिलिंग भी था एंड आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा इससे। दिस इज़ माई फेवरेट टाइम, लेट्स गो फॉर रन। और पास्ट फ्यू डेज में मैंने बहुत सारी लर्निंग ली है, जैसे कि पहले मैं 2 टाइम्स इन अ डे रनिंग करती थी, उसके बाद मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। बट इस चैलेंज में मैं सिर्फ 1 बार रनिंग करती हूँ दिन में, 1 बार कोई दूसरा वर्कआउट करती हूँ जैसे कि योगा हो गया, HIIT हो गया, एरोबिक्स हो गया। एंड सेकेंड लर्निंग ये है कि बिफोर रनिंग अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को मूव करना है सो दैट कि इंजरी का जो खतरा रहता है ना वो नहीं रहता, आपकी बॉडी तैयार रहती है रनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रेचिंग कर रही हूँ अपनी बॉडी की और आप देख सकते हो ठंड है तो इसलिए इसी तरीके से रनिंग करनी होगी। एंड मैंने अच्छे से स्ट्रेचिंग कर ली है, लेट्स गो फॉर रनिंग। राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग माई लेग्स क्योंकि मैंने 45 मिनट कॉन्टिन्यूसली रनिंग की है। मन कर रहा था 30 मिनट बाद रुक जाऊँ, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुश किया कि नहीं प्राक्षी मोर 15 मिनट्स और फाइनली मैं कर पाई। वैसे मैंने टारगेट रखा था कि मैं 1 घंटा रनिंग करूँगी जो कि नहीं हो पाया क्योंकि अब भी मैं इतना पुश नहीं करना चाहती अपने आप को, मतलब एक्सट्रीम नहीं करना चाहती। एंड पहले से इम्प्रूवमेंट है, पहले 15 मिनट कर पाती थी, देन 20 मिनट, देन 30 मिनट और आज 45 मिनट्स रनिंग मैंने की है।
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बट इट्स नॉट हाई इंटेंसिटी रनिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, 7 या फिर 8 की स्पीड होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं थी, इट्स अ मीडियम इंटेंसिटी रनिंग। या फ्रेंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट डे पर और देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा कैसा रह पाता है। यू नो जब ये चैलेंज ख़त्म होगा तो वेट भी देखना है कि कितना कम हुआ है और हाई प्रोटीन डाइट लेने का कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।